नजदीक आके खींचे ना ऊपर करके हम लोग साथ रहेंगे और इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने में पूरी योगदान करेंगे। जिला को नहीं बैठेंगे, ग्राम पंचायत में बैठेंगे। चलिए महिला जिंदाबाद, एक साल और जिंदाबाद। एक साल एक साथ आ जाइए सब लोग, वीडियो इधर से एक फोटो बन जाए। इधर आ जाइए, इधर इधर आ जाइए। बार बुजुर्ग आ रहे हम इस बार आपको ग्राम पंचायत प्रधान के लिए चुनाव करेंगे और आदर्श पंचायत बनाने में पूरा योगदान देंगे और अपना मताधिकार का प्रयोग निस्वार्थ भावना से आपको करेंगे और भ्रष्टाचार लोगों को इस पंचायत से मुक्ति दिलाएंगे। भ्रष्टाचार लोगों को इस पंचायत से मुक्ति दिलाएंगे। चले, और मेरा भी प्रॉमिस है आप सब लोगों से, मेरा एक वादा है कि इस पंचायत में जितने भी फंड आएगा, जो भी पैसे आएंगे, हम सब लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से बैठक करके बताएंगे कि इस पंचायत में इतना पैसा आया है, और आप लोगों से पूछ करके जो उचित काम और जो सबसे जल्दी जरूरत काम होगा उस पंचायत में बिना किसी कमीशन लिए हुए, बिना किसी दलाली किए हुए, हम पूर्ण रूप से पूर्ण पैसा को सही जगह पर और उचित तरीका से खर्च करेंगे और आपको आदर्श पंचायत बनाने के लिए पूरी संकल्पित, पूरी त्याग, पूरा समर्पण करके जहाँ भी जाना होगा, ग्रामीण मंत्री के पास, ब्लॉक स्तर में लोगों के पास, हर जगह जा करके इस पंचायत का लक्ष्य हम रखे हैं ग्राम पंचायत बनाने के लिए। विद इन 5 साल में इसको जो है आदर्श ग्राम पंचायत बनाएंगे, ये मेरा वादा है। हम इसका समर्थन करता हूँ और आप लोगों का जो भी समस्या है, एक एक समस्या, एक एक दरवाजे पर बैठ करके मैं चाहूंगा कि उसको निपटारा करूं और इस पंचायत से एक भी केसेस हम नहीं चाहेंगे कि हमारे रिजिल में कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़े, पुलिस को इस पंचायत में इंटरफेयर करना पड़े, कोई भी ऐसी घटना ना हो। इसके लिए हमेशा हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे और हम आप लोगों के लिए तैयार रहेंगे। पप्पू कुमार जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, कौन गांव में घर हुआ? सुसुलपुर कुड़िया पंचायत में हम लोग हैं। मतलब कौन वार्ड में? वार्ड नंबर दो जी। आपको क्या लग रहा है कि इस बार ग्राम पंचायत में मतलब नया चेहरा ला देना है मुखिया प्रधान? हाँ, इस बार तो नया चेहरा के किनको आप चाहते हैं, मतलब कौन अच्छा कैंडिडेट आपको लगते हैं? पप्पू जी अभी मार्केट में है, जगह सभा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, नौजवान है, अभी नौजवान जी, तो क्या लग रहा है उनके प्रति आप कुछ? हम लोग साथ में हैं उनको, और इस चुनाव में नया चेहरा है, पंचायती विकास हो और समाज की आगे की तरक्की के लिए हम लोग। अच्छा, तो पुराने जो मुखिया थे वो कितना विकास का काम किए हैं? वो भी कुछ काम किए हैं, हम लोग उन्हीं के माने सपोर्टर थे पहले। अच्छा, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, इसलिए हम लोग नया चेहरा को साथ हैं इस बार। तो क्या लग रहा है कि पप्पू जी मेरे मतलब ग्राम पंचायत के लोगों पर खड़ा उतरेंगे विश्वास? हम लोग विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, आगे देखने वाला बात होगा। मतलब आपको, आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि मतलब आए जी, और हम मतलब हाँ, हम नया चेहरा है, युवा है। इससे पहले माने लोग 22 साल पूर्व मुखिया थे, वो आज नहीं है हमारे बीच। फिर इससे पीछे भी थे 5 साल का मुखिया, 15 साल वो भी थे, 5 साल इनको भी मौका दिया जाएगा। आपका? उदय शंकर साह। आप बताइए कि आपके पंचायत में चुनाव होने जा रहा है मुखिया का, तो इस बार आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो पप्पू सर को सपोर्ट कर रहे हैं। पप्पू सर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो अनुभवी है, पर्चे बात है, हर कुछ है, हम लोग को नज़र में अच्छा है। अच्छा, तो इस बार मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मुखिया बना देना है? हम लोग तो कोशिश जारी रखे हुए हैं कि बनाना है। आपका क्या मतलब, आपका कुछ राय है? राय पूरा, हम लोग को तो पूरा सहयोग है, राय है, सहयोग रहेगा इस बार। हाँ, चलिए, थैंक यू।